हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियाज़ स्टिचिंग एंड पेंटिंग। आज मैं आपको लाइट शेडिंग ऑन डार्क कलर बताने वाली हूँ। तो पहले हम स्केचिंग कर लेते हैं, फिर पेंटिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लीफ पेंट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी पेंटिंग करने के लिए हमको पहले लीफ ही बनाना होता है। ये वाला लीफ मेरी न्यू स्टूडेंट बना रही है, तो उसका फर्स्ट टाइम है इसलिए उसे ठीक से नहीं बन पा रहा है। फिर मैं बताऊंगी। तो अब मैं इसे बता रही हूँ कि ये लीफ जो ख़राब हो गया है तो इसको कैसे सुधारेंगे। तो इससे आपको भी हिंट मिल सकता है कि जो आपका लीफ ख़राब हो गया है उसको कैसे ठीक करें। से मैंने सारे लीव्स तैयार कर लिए हैं। अब आते हैं फ्लावर पे। तो गाइस, फ्लावर बनाने के लिए मैंने रेड कलर से फ्लावर में पूरा फिल कर लिया है। फिर उसमें मरून कलर से लाइन डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये रेड कलर गीला ही होना चाहिए, तभी ये मरून कलर उसमें मिक्स हो पाएगा। अब हम इस पे वाइट कलर से शेडिंग डाल देंगे। और ये वाइट कलर भी आपको तभी डालना है जब रेड कलर गीला होगा, वरना वाइट ऊपर से दिखेगा, मिक्स नहीं होगा। अब हम बीच में वाइट से डॉट डॉट डाल देंगे। और अब बीच में येलो से डॉट डॉट डाल देंगे।
और यहाँ पर और भी फ्लावर्स बनेंगे, तो मैंने फ्लावर बता दिया, अब ये मेरी स्टूडेंट बना लेगी। तो ये हमारा फ्लावर हो चुका है रेडी, और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह भी हैं और टेबल क्लॉथ्स वगैरह भी हैं, ये सब बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आपको मेरे ये सारे पेंटिंग्स कैसे लगे ये कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।